हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन से संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी और इसके दोस्तों हमने 5 पार्ट जो है अलग अलग बनाकर अपलोड भी कर दी हैं। वो 5 पार्ट दोस्तों नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो जरूर देखें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, आपने हमारी बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो वो जरूर जो है परचेज कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो है हमने अपडेट किए हैं। कौन कौन सी बुक और कौन कौन सी PDF दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनके थोड़े थोड़े डेमो जो है मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों लगभग 7500+ क्वेश्चन इसमें हमारी बुक में रहेंगे, ठीक है। ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आपको मैसेज करना है PDF के लिए। 100 रुपये दोस्तों इस PDF के जो है आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मार्केट में दोस्तों अवेलेबल हम नहीं करा पाए क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम था, ठीक है। एग्जाम बिल्कुल सर पे था, मार्केट में अवेलेबल करवाते तो दोस्तों इतने में एग्जाम हो लेता, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने हार्ड कॉपी ही आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। वैसे कोई हार्ड कॉपी शेयर नहीं करता, लेकिन हमने आपके साथ हार्ड कॉपी शेयर कर दी है। तो इसको जितना जल्दी हो निकलवा के एक बार, दो बार या तीन बार दोस्तों जरूर पढ़ लें। तो इसमें दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो आसान है चाहे दोस्तों उनका लेवल जो है कैसा भी है। जैसे पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है, यानी दोस्तों पावर फैक्टर कब इंप्रूव होता है, जब कौन सा लोड हो, कैपेसिटिव लोड हो, ठीक है। इंडक्टिव लोड जो होता है इसमें पावर फैक्टर लो होता है, कैपेसिटिव लोड में दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। शुद्ध इंडक्टिव और कैपेसिटिव ऐसा कोई लोड दोस्तों नहीं होता, क्योंकि मिक्स लोड होते हैं, ठीक है। जैसे मोटर जो है, मोटर के अंदर कैपेसिटर भी लगा होता है और कॉइल भी होती है। मोटर के अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर भी होती है, कॉइल होती है, तो वो कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों प्रकार का लोड हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। ये जल्दी से जल्दी जितना हो परचेज कर लें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, टाइम दोस्तों नहीं रहा अब एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो PDF दोस्तों हमारी रहेगी वो है जिसके अंदर सिंबल वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एक सिंबल दिखाया गया है क्योंकि SSC एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह बताइए, ठीक है। तो बी इसमें राइट ऑप्शन हमारा दिखा रखा है, ये हमारा दीवार पर लगे लैंप का, ठीक है। वैसे लैंप का दोस्तों सिंबल क्या होता है, ये हमारा लैंप का सिंबल होता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। कोई भी PDF आपको नहीं छोड़नी है, कोई भी PDF आपको नहीं छोड़नी है, सारी की सारी PDF दोस्तों आपको कवर करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि दोस्तों आपके 100-200 रुपये जो लग जाएंगे ना, ये बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में इतना कंपटीशन नहीं है, ठीक है, जितना आप सोच रहे हो उतना कंपटीशन नहीं है। थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ी सी तैयारी करते ही आपका सिलेक्शन 99% जो है श्योर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसके अंदर जो ITI पास आउट बहुत टाइम हो गया, ठीक है। जिनके टेक्निकल नॉलेज की हम बात करें तो बहुत लो लेवल की टेक्निकल नॉलेज रह चुकी है। अगर ये MCQ ही आप रट लेते हो तो इसमें भी आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल पोर्शन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको PDF आपको कवर करनी है। नेक्स्ट PDF मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों LM के प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट करने से आपको दोस्तों अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट करने भी बहुत जरूरी है, इनमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, ठीक है। PLC से क्या तात्पर्य है, डेसिमल वी की 78 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा, जो IT इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है, ठीक है, फेज अंतर पूछा गया है, जो शिफ्ट अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, जैसे इसमें बात करें हम लेंज ला की, लेंज नियम निम्नलिखित में से संरक्षण का नियम प्रमाण है, ठीक है। तो लेंजला और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से वीडियो भी बना दी है, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनते हैं, हो सकता है हम YouTube पर सारे टॉपिक ना करवा पाएं, लेकिन PDF पर जो है स्टडी करना वो दोस्तों आपके हाथ में है। नेक्स्ट जो PDF है दोस्तों, ये वन लाइनर क्वेश्चन की है, इसका दोस्तों आपको कोई चार्ज पे नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ये PDF जो है बिल्कुल क्या दी जा रही है, बिल्कुल फ्री है, इसका आपसे कोई चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लिफ्टों के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाए, कल हमने पढ़ा था ना, जहां स्टार्टिंग टॉर्क उच्च की जरूरत होती है वहां सीरीज मोटर यूज करते हैं, ठीक है। इंटरपोल किसके साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं, कल हमने किया था ना, आर्मेचर की श्रेणी में जुड़े होते हैं, जो कम्यूटेटर पर स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए जो है इंटरपोल लगाए जाते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है पोल फेस के बीच पर, ठीक है, कल ये भी क्वेश्चन हमने किया था। तो ये PDF जितना जल्दी हो लेके जो है आप सारी की सारी एक बार जरूर कवर कर लें। नेक्स्ट जो PDF रहेगी हमारी वो सिंबल की रहेगी दोस्तों, सिंबल की PDF बिल्कुल फ्री दी जाएगी, इसका दोस्तों आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर हमारी ऑल ओवर PDF आपको चाहिए तो दोस्तों 350 आपको पे करना पड़ेगा, इसमें आपको ऑल ओवर PDF और ग्रुप दोनों के दोनों चीजें जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो PDF हमारी रहेगी वो रहेगी दोस्तों SSC लाइनमैन के सभी पेपर, जो 3 से 4 शिफ्टों के अंदर SSC लाइनमैन के दोस्तों एग्जाम हुए थे, ये PDF भी आपको एक बार जरूर पढ़ के जानी है, ताकि थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगी क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। असिस्टेंट LM DHBNL का दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, ठीक है। हरियाणा GK का लेवल बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, ठीक है। जैसे हरियाणा विधानसभा में विधानसभा सदस्य होते हैं तो 90 होते हैं, सभी को पता है, ठीक है, और जो सीधे एकल निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों हरियाणा GK का लेवल बिल्कुल सिंपल रहेगा, ठीक है। जैसे कालेश्वर राष्ट्रीय
उद्यान हरियाणा में कहाँ स्थित है? ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिरण उद्यान है, हिरण उद्यान के बाद दोस्तों गुजरी महल है। ठीक है, तो हरियाणा जीके का लेवल बिल्कुल सिंपल रहेगा, मैथ रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सिंपल रहेगा, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो कुछ लेवल तक हार्ड पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो दोस्तों पीडीएफ हमारी लास्ट पीडीएफ हम कह सकते हैं डायोड के सिंबल की, क्योंकि दोस्तों डायोड के सिंबल ना एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर देखे जाते हैं। जैसे जिनर डायोड है, ये हमारा कौन सा डायोड है? जिनर डायोड है, ये भी दोस्तों जिनर डायोड है। ठीक है, ये दोस्तों जिनर डायोड का अलग सिंबल है। तो ये किस किस टाइप के जिनर डायोड हमारे हो सकते हैं, FET किस टाइप का होता है, MOSFET किस टाइप का होता है, तो ये एक बार इनके डायग्राम जो है आपको एग्जाम में देख के जाने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए दोस्तों ये PDF जितना जल्दी हो आप खरीद लें। हमारे व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 86830 और 13618 जो स्क्रीन पे दिए हुए थे। ठीक है, उन पर आपको मैसेज करना है और जितना जल्दी हो ये PDF खरीद लें। 100-200-300 रुपये आपके लग जाएंगे तो ये दोस्तों हो सकता है बहुत आपका फायदा कर जाए। ठीक है, तो चलिए आज के हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो अनटच लेवल के क्वेश्चन जितने बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के 101% जो है चांसेज हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन जो रहेगा डी रहेगा दोस्तों, SI मात्रक जो है विद्युत धारा का एम्पेयर है दोस्तों। ये होता है हमारा एम्पेयर मीटर, जिसको सर्किट के कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, जो हमें लोड दिखाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी, एमीटर हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 3 नंबर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। सबसे पहले तो आइडियल एमीटर हमें समझना पड़ेगा और आइडियल वोल्टमीटर का भी इसी सेम क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ आइडियल वोल्टमीटर लिख दूं मैं तो आइडियल वोल्टमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों आइडियल जो एमीटर होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है दोस्तों वो मोटा तार और कम टर्नों का होता है। कैसा होता है दोस्तों? मोटा तार और कम टर्नों का। किस टाइप से होता है देखिए, ठीक है, ये होता है दोस्तों हमारा इतना मोटा तार और बहुत ही कम टर्न, जिसका रेजिस्टेंस शून्य होता है। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। और सर्किट जो हमारा एम्पेयर मीटर होता है उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे होता है दोस्तों? सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इसको हम कहेंगे आइडियल एमीटर, ठीक है दोस्तों, जिसका रेजिस्टेंस शून्य होता है। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं वोल्ट मीटर की बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो अनंत होता है। अनंत मीन्स इसकी बहुत सारी पतली टर्नों और बहुत ही पतले तार से लगाई जाती है दोस्तों, ऐसे इस टाइप से बहुत पतली टर्नें और बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो अनंत होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन घुमा फिरा के जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किसी चालक में किसी बिंदु को 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें धारा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो धारा का मान ज्ञात करना है तो I बराबर दोस्तों हम कर लेंगे Q अपॉन T मतलब हमारा टाइम दोस्तों, और टाइम 5 मिनट है तो इसको दोस्तों सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों एक मिनट में 60 सेकेंड तो इसका दोस्तों 300 सेकेंड हो जाएगा। Q दोस्तों हमारा 300 है तो इसको दोस्तों काटेंगे तो 1 एम्पेयर का करंट हमारा आ जाएगा दोस्तों। इनकी क्रॉसिंग करके आप केव भी निकाल सकते हो, धारा भी निकाल सकते हो, मिनट भी निकाल सकते हो दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन बी रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई आता है एग्जाम में तो हल्के से न्यूमेरिकल के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। उस न्यूमेरिकल में दम नहीं होता लेकिन वहां हम कंफ्यूज होते रहते हैं। जैसे दोस्तों इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, 300/500 लिखोगे और 5×30 करके 60 एम्पेयर लगाया होगे, लेकिन इतने से सर्किट के अंदर दोस्तों 60 एम्पेयर करंट कभी भी फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, सोचने वाली बात है, क्योंकि जो 50-50 HP की मोटर होती है दोस्तों वो 60 एम्पेयर का करंट लेती है, ये तो 300 कूलाम का वैसा है, बहुत ही कम कूलाम का वैसा है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा कभी कभी दिमाग लगाने की भी हमें वहाँ जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभव मापने के लिए काम आता है, विभव मीन्स दोस्तों वोल्टेज, और वोल्टेज का मापने के काम आता है वोल्टमीटर दोस्तों। और ट्रांसफार्मर दोस्तों जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए। एमीटर दोस्तों कर चुके हैं, गैल्वेनोमीटर दो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें करंट दिखाता है। तो इसके अंदर दोस्तों पतली तार अधिक टर्नों के लगा के हम इसको वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर मोटा तार और कम टर्नों के करंट लगा के कॉइल लगा के इसको हम एम्पेयर मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा डिटेल से जानने की बहुत सख्त जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वोल्टमीटर को परिपथ में किस प्रकार से लगाया जाता है, हम कर चुके हैं दोस्तों समांतरकरण में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह नियम किसने दिया था। करंट और वोल्टेज दोस्तों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये नियम कौन सा कहता है। तो ये दोस्तों हमारा जो है ओम का नियम कहता है, वोल्टेज करंट के समानुपाती और रेजिस्टेंस के क्या होता है दोस्तों, उल्टे अनुपाती होती है। जैसे एक त्रिभुज बनती है VIR, वो यही दर्शाती है दोस्तों, इसको ओम का नियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही दोस्तों एक बिना टाइम बर्बाद किए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक दोस्तों हम कर चुके हैं, ओम है।
और फ्लक्स को मापने की इकाई दोस्तों वेबर है, ओम मीटर दोस्तों ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, महो दोस्तों रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस दोस्तों, क्या होता है कंडक्टेंस, जिसको चालकता कहते हैं वो महो होता है दोस्तों, ठीक है। चारों के चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ओम मीटर स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई नहीं लिखा हो तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया, वो भी हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। वेबर हम कर चुके हैं, ओम हम कर चुके हैं, महो भी हम कर चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, एसआई मात्रक हम कर चुके हैं दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वेबर है, क्या है दोस्तों वेबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों मैग्नेटिक तीव्रता किससे मापी जाती है, कैंडला से, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आप जरूर कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन दिखाया हुआ है चालक के पदार्थ की पर प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा डी जो रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा। जो हमारा रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो सभी पर ही निर्भर करता है, लंबाई पर, मोटाई पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आएगा आगे। 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस तो लंबाई के समानुपाती होता है, लेकिन अगर हम एरिया बढ़ाएंगे दोस्तों उसके उल्टे अनुपाती होता है, मीन्स कम होता है, ठीक है। लंबाई दोस्तों मतलब एल, एल को शो कर देते हैं हम लंबाई से दोस्तों। अब इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, 4 मीटर लंबा तार का प्रतिरोध 5 ओम है दोस्तों, यदि उसकी लंबाई क्या बढ़ा दी 8 मीटर कर दी दोस्तों, ठीक है, तो उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 8 ओम से क्या हो जाएगा हमारा, मीटर 8 कर दी दोस्तों और रेजिस्टेंस 5 ओम था, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 10 ओम। इसका अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ठीक है, अगर 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इसकी लंबाई की जगह मोटाई लिख दे दोस्तों, मोटाई 2 गुना कर दी जाए, कितनी 2 गुना कितनी कर दी जाए दोस्तों 2 गुना कर दी जाए, तो अब तार का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर मोटाई दोस्तों 2 गुना कर दी तो 5 ओम का आधा कितना होगा 2.5 ओम रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने वाले हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा और वही दोस्तों हम ये कर रहे थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई के समानुपाती होता है, मोटाई के उल्टे अनुपाती होता है और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करता है कि क्वालिटी क्या है चालक की जो है रेजिस्टेंस की। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा अंडरलाइन जरूर करें। ये भी दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक का युग्म है। दोस्तों सबसे अच्छा तो चांदी है और सबसे घटिया सीसा, सीसा मीन्स दोस्तों लेड, और लेड स्पॉन्जी लेड का हम इस्तेमाल करते हैं लेड एसिड बैटरी में, क्वेश्चन उससे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में अर्धचालक का उदाहरण है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अच्छा विषय जो है वो सिलिकॉन है दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। सिलिकॉन को दोस्तों SE से लिखते हैं और जर्मेनियम को SGE से लिखते हैं, ये दोनों दोस्तों सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ग्रेफाइट हम पेल्सिन के अंदर यूज करते हैं, मर्करी दोस्तों हम मर्करी वेपर लैंप के यूज करते हैं, और चांदी का दोस्तों पता ही आपको हम वायर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं, शून्य प्रतिरोध हो दोस्तों, ठीक है, उस चालक को हम अति चालक कहते हैं यानी सुपर चालक कहते हैं दोस्तों। सुपर चालक मीन जिनके अंदर से कोई भी बाधा ना आए उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, अति चालक यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर 4 ऑप्शन हो रहा है, चालक जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, कुचालक जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो, अर्धचालक जिसमें हो भी जाए और ना भी हो, दोनों कंडीशन लागू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्रक जो है यानी माइका जो है वो विद्युत का कुचालक है दोस्तों और ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा तो उसके अंदर से प्रवाहित हो जाएगी लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएंगे दोस्तों तो उसके अंदर से नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, घरों में कूलर पंखे बल्ब कौन से क्रम में जोड़े होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये हमारे समांतर क्रम में जोड़े होते हैं, समांतर क्रम जोड़ने का मतलब है दोस्तों सभी को वोल्टेज बराबर बराबर मिलती है, मतलब जितने भी सर्किट दोस्तों हमारे लगे हुए हैं उनके अंदर जो है वोल्टेज बराबर बराबर सभी को मिलती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर हम पैरेलल में लगाएंगे दोस्तों हम सर्किट को तो 220 वोल्ट सभी को सप्लाई मिलेगी, अगर दोस्तों हम सीरीज में अगर कोई चीज लगाएंगे तो सीरीज के अंदर दोस्तों अगर पहले के अंदर जैसे कूलर के अंदर अगर 100 वोल्ट ड्रॉप होंगे तो पंखे को पीछे से कितने मिलेंगे दोस्तों, तो 220 में से 100 गए दोस्तों 120 वोल्टेज मिलेंगे और बल्ब को इनमें से गए बल्ब को कुछ नहीं मिलेगा, बल्ब ऑपरेट ही नहीं होगा दोस्तों। तो इस टाइप से हमें सभी को 220 वोल्ट सप्लाई
साइज ये, इसलिए हमें समांतर क्रम में जो है घरेलू पंखों कूलर आदि को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम दोस्तों समझ में आ गया, मिश्रित क्रम जिसमें जो है दोनों टाइप के कनेक्शन हो, सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, श्रेणी क्रम में सभी तारों का कौन सा गुण समान रहता है, श्रेणी क्रम में सभी तारों का कौन सा गुण जो है समान रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो इसका ए रहेगा दोस्तों, राइट ऑप्शन धारा। धारा मीन्स दोस्तों करंट। करंट जो है श्रेणी क्रम में अगर लगाएंगे तो करंट समान रहेगा, और दोस्तों पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्टेज हमारा समान रहेगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों उल्ट पुलट करके दे दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रत्यावर्ती एसी धारा की आवृत्ति मीन्स दोस्तों फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो है दोस्तों राइट ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। 50 Hz से लिखते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। Hz का दोस्तों मीन्स है CS भी लिखते हैं कई बार, 50 50 CS। CS मीन्स दोस्तों साइकिल प्रति सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में कितने चक्कर हमारी कर की धारा जो है वो लगाती है, तो इसको दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। ट्रांसफार्मर जो है हमारा अन्योन्य यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है दोस्तों रियल में, थोड़ा सा समझ लेते हैं सिर्फ 30 सेकंड में। ये हमारी दोस्तों दो कॉइल है, क्या है दो कॉइल, ये कॉइल ए है प्राइमरी कॉइल, और ये दोस्तों कॉइल बी है सेकेंडरी कॉइल। जब इसको हम दोस्तों वोल्टेज देंगे तो इसका फ्लक्स दोस्तों दूसरे के साथ लिंक करेगा, क्या करेगा लिंक करेगा, और इस लिंक के कारण दोस्तों दूसरे के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगी। ईएमएफ को कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका दूसरा नाम है वोल्टेज। तो इसके अंदर दोस्तों वोल्टेज का उत्पन्न होना, प्राइमरी में वोल्टेज दी और सेकेंडरी का वोल्टेज उत्पन्न होना, हमें इस सिद्धांत को दोस्तों म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, यह ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। अब दोस्तों इसको वोल्टेज दी और इसके अंदर वोल्टेज पैदा हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों जैसे हम अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर कम टर्न लगाते हैं और सेकेंडरी कॉइल के अंदर बहुत टर्न लगाते हैं, तो इसका अगर लिंक करके इसके साथ लिंक करेगा तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप। अगर उल्टी यहाँ से सप्लाई दें और यहाँ से देखें तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा दोस्तों। वो ट्रांसफार्मर जो एक ऐसी युक्ति जो दोस्तों वोल्टेज को अप और डाउन बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए करता है, और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्रांसफार्मर किस धारा की वोल्टता को बदलता है। तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट की धारा को जो है बदलता है, डीसी ट्रांसफार्मर जो है कैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जनित्र दोस्तों फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जनित्र की कुंडली को क्या कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, जनित्र की कुंडली को कहते हैं आर्मेचर, और दोस्तों अल्टरनेटर की कुंडली को कहते हैं स्लिप रिंग। दोस्तों क्या कहते हैं, स्लिप रिंग, क्या कहते हैं दोस्तों, स्लिप रिंग। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा टॉपिक को दोस्तों दो बार जरूर देख लें इसको, ताकि आपको सारे इलेक्ट्रिकल लाइन से जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर एचएससी एग्जाम में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों हमने विद्युत ऊर्जा दी और यांत्रिक ऊर्जा ली, इलेक्ट्रिकल पावर दी और मैकेनिकल पावर ली, तो उस युक्ति को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। दोस्तों इसका उल्टा अगर करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दी हमने और विद्युत ऊर्जा ली, उस दोस्तों सिस्टम को हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है, जो जनरेटर लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप डाउन करता है। कंडेंसर दोस्तों जो अपने अंदर चार्ज करता है वोल्टेज को, क्या करता है दोस्तों, चार्ज करता है। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्ब का तंतु किसका बना होता है, इसका दोस्तों कमेंट आप कमेंट में हमें आंसर बताओगे दोस्तों, ठीक है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, और बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपको 25 नंबर के आंसर में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त होती है, तो ट्यूबलाइट के स्टार्टर में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों नियोन गैस जो है ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त किया जाती है। ट्यूबलाइट के स्टार्टर से मेन है दोस्तों जो ट्यूबलाइट को ऑपरेट करता है, स्टार्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और आर्गन गैस का पता ही आपको, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीटर का तापमान तंतु किसका बना होता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। हीटर का जो एलिमेंट जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो राइट ऑप्शन इसका दोस्तों रहेगा हमारा ऑप्शन डी। हीटर का जो तंतु बना होता है दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है। दोस्तों नाइक्रोम स्पेशली नहीं होता, नाइक्रोम के साथ यूरेका वायर भी मिली होती है, इसलिए जो है इसको नाइक्रोम और यूरेका का मिश्रण कहते हैं। दोस्तों अगर एक ऑप्शन दिया हो तो सही हो, और यूरेका और नाइक्रोम दोनों दिए हो तो दोस्तों हमारे दोनों ऑप्शन जरूर सही मिलेंगे, ध्यान रखें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप ले सकते हो। किलोवाट KWH जो हमारा घरों के अंदर एनर्जी मीटर लगा होता है दोस्तों, उसकी रीडिंग जो होती है वो किलोवाट हावर के अंदर जो है दर्शाती है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। विद्युत ऊर्जा को जो है किलोवाट घंटा का के रूप में मापा जाता है। धारिता दोस्तों किसकी इकाई है, कैपेसिटर की मापने की इकाई, कैपेसिटेंस को मापने की इकाई हमारी ये है। पावर को दोस्तों मापने की इकाई वाट है, जिसको विद्युत शक्ति हम लिखते हैं। दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे
सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 वाट का एक पंखा रोजाना 10 घंटे काम आता है तो 30 दिन में विद्युत खर्च कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा वैसे भी अगर माइंड यूज कर दो कर सकते हो, जैसे 100 वाट है दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 घंटे चलता है तो रोजाना कितनी दोस्तों हमारी पावर खर्च हुई, कितनी खर्च हुई दोस्तों 1000 वाट। और 1000 वाट दोस्तों, 1000 वाट के अंदर कितनी यूनिट होती है, एक यूनिट होती है दोस्तों, कितनी यूनिट होती है, एक यूनिट होती है। तो 30 दिन का पूछा है दोस्तों, 30 दिन के कितने अंदर होगी, 30 यूनिट होगी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको यहां दे दिया जाए, यहां 10 की जगह दोस्तों 9 दे दिया जाए, तो इसको दोस्तों हम 100 वाट को 9 से गुना करेंगे तो 900 वाट आएगा हमारा, कितना आएगा दोस्तों 900 वाट। अब इसको अगर बटे में 1000 करेंगे दोस्तों, दोस्तों थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो 900 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे दोस्तों, 30 से मल्टीप्लाई, 30 दिन है हमारा, तो इसको दोस्तों हम गुना करेंगे तो 2700 हमारा आ जाएगा, यानी 27000 वाट आ गया दोस्तों। अब 27000 वाट को आप क्या करोगे, बटे में 1000 लिख दोगे इसको दोस्तों, ठीक है, और इसको काटोगे तो आप 270 जो हमारी सॉरी 27 यूनिट जो है वो आ जाएगी दोस्तों, सॉरी 2700 आएगा इसके अंदर, और दोस्तों बटे में हम 30 करेंगे, 30 करने पे दोस्तों हमारा हो जाएगा सॉरी 1000 करेंगे, 1000 करने पे दोस्तों हमारा 27000 सही था, तो 30 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, काटेंगे तो हमारा 27 वाट आ जाएगा। तो अगर 9 घंटे चलता है तो दोस्तों हमारा 27 यूनिट आएगा, और अगर 10 घंटे चलता है तो हमारा 30 यूनिट आएगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा बेक करके जरूर देख लें, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मैंने जल्दी में समझाया हो, आपको समझ में ना आया हो, तो इसको दोस्तों सिंपली सा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों 30 को गुणा करेंगे और बटे में 1000 कर देंगे तो हमारा आंसर यूनिट में आ जाएगा। 1000 वाट के अंदर दोस्तों एक यूनिट होती है, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, असौ शक्ति किसका मात्रक है, यानी एचपी दोस्तों, ठीक है, एचपी किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये हमारा विद्युत शक्ति का मात्रक है, एचपी असौ शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, एचपी मीन्स दोस्तों वाट, और एक एचपी के अंदर दोस्तों 746 वाट जो होते हैं वो ब्रिटिश प्रणाली के अंदर होते हैं, और 735.5 वाट जो है वो हमारे मीट्रिक प्रणाली के अंदर होते हैं। अगर सीधा एक एचपी में वाट पूछा जाए तो दोस्तों आप 746 ओके करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, और टंगस्टन का गलनांक दोस्तों होता है 3500 डिग्री, यानी 3422 के लगभग डिग्री के लगभग होता है, लेकिन अगर 3500 ऑप्शन मिलता है तो वो भी राइट है, लेकिन अगर 3422 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो वो भी दोस्तों हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग दोस्तों विभव बदलने किया जाता है, किसके लिए दोस्तों, विभव यानी वोल्टेज बदलने के लिए किया जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत स्त्री में हैंडल किसका बना होता है, तो दोस्तों हैंडल जो है बेकेलाइट का बना होता है, तो जरूर नहीं है दोस्तों बेकेलाइट का भी हो, वो लकड़ी का भी हो सकता है, एवोनाइट का भी हो सकता है जो आजकल हैंडल आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर टेक्निकली क्वेश्चन देखें तो वो बेकेलाइट वो दोस्तों जो एक टाइप का इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मीन्स दोस्तों जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कण नहीं होते, वो दोस्तों जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फ्यूज किसका बना होता है, तो सिंपली इस क्वेश्चन दोस्तों टीन और सीसा का फ्यूज जो है वो बना होता है, टीन अनुपात दोस्तों ये हमारा 40 और इसका 60 और 40 का अनुपात होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, दोस्तों इसके लिए हम सल्फ्यूरिक एमल का यूज करते हैं, इसकी दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक की जाती है, जिसका नाम हाइड्रोमीटर लिया जाता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में बेमेल को छांटिए, दोस्तों बेमेल हमारा धारा को दोस्तों एम्पेयर में मापते हैं, विभव को वोल्ट में मापते हैं, आवेश को कूलम में मापते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं, उल्टा लिखा हो दोस्तों, किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं, लेकिन ये उल्टा यानी कंडक्टेंस को चालकता को मापते हैं दोस्तों महो में, ठीक है दोस्तों, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों बल्ब के अंदर इसके अंदर कोई गैस नहीं दी हुई जो बल्ब के अंदर भरी जाती हो, बल्ब के अंदर दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है, कौन सी दोस्तों आर्गन गैस, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो दोस्तों इसमें लाइट कंडक्टर लाइट लेते हैं, लाइट कंडक्टर मीन दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है, आकाशीय बिजली का आपने ईंट भट्टों के ऊपर ऐसे त्रिशूल सा लगा हुआ देखा होगा दोस्तों, वो होता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर दोस्तों, इसका मतलब है जब कोई आसमानी बिजली चमकती है तो इसके संपर्क में आ जाए और अंदर जाके ग्राउंड हो जाए दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो दोस्तों आवेशित खोखला है अगर, तो उसके अंदर मान दोस्तों जीरो होता है, शून्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 60 वाट 240 वोल्ट के बल्ब में विद्युत धारा का मान कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला होता है वी बटे पी दोस्तों, ठीक है। क्या निकालना है हमें, धारा निकालनी है, तो वी बटे पी। तो वोल्टेज दोस्तों 40 है हमारी और 60 हमारी ये है। जब इसको दोस्तों हम काटेंगे तो हमारा दोस्तों सिंपली सा आ जाएगा हमारा 0.25 एम्पेयर। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों अगर मैं करंट निकालने के फार्मूले की बात करूं तो तीन टाइप के फार्मूले होते हैं करंट के, ठीक है, वी आर वी और दोस्तों पी आर पी और वी दोस्तों, ठीक है। ये हमारे इतने फार्मूले होते हैं दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वी आर वी दोस्तों हम करेंगे, इसमें फार्मूलों में प्रॉब्लम है थोड़ी। वी आर वी और दोस्तों वी आर वी पी आर पी दोस्तों, ठीक है, और इसका करेंगे दोस्तों होल स्केयर। ये हमारे तीन फार्मूले होते हैं करंट निकालने के, ठीक है। वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस से भी हम आई निकाल सकते हैं, पावर बटे वोल्टेज से भी हम निकाल सकते हैं और पावर बटे रेजिस्टेंस से भी हम दोस्तों ये निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा विभवांतर प्रतिरोध को मापने में आता है दोस्तों। धारा भी मापते, करंट भी मापे, वोल्टेज भी मापे और रेजिस्टेंस भी मापे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर जैसे हमारा मल्टीमीडिया होता है, एक से अधिक सोंग चलते हैं जिसके अंदर, और मल्टीमीटर दोस्तों जिसके अंदर एक से अधिक राशियां माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में वोल्ट है। वोल्ट क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका बी रहेगा, जूल के साथ जो है कूलम्ब मैच है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सड़कों के किनारे बल्ब कौन से क्रम में लगाए जाते हैं। तो दोस्तों सड़कों के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, चालक में किसके प्रभाव के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो ये तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह नियम जो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, ठीक है दोस्तों। अपने ही वोल्टेज अपने का ही विरोध करते हैं, एक टाइप का ये नियम होता है दोस्तों जो लेंज का नियम होता है। क्या होता है दोस्तों, लेंज का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो ओस्टेड ने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों शिफ्ट टेंडर के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक अश्व शक्ति में वाट की संख्या तो हम कर चुके हैं दोस्तों, अगर बैटरी प्रणाली है तो 746 वाट है, अगर मीट्रिक प्रणाली है तो 735.5 वाट है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, एक किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन है 3.6 गुणा 10 की 6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, ये हो ही गया, लास्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन का विद्यमान आवेश, ये भी होता है दोस्तों 3.6 गुना 10 की 16 सेल्सियस। तो दोस्तों ये थे हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के, जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, एक छोटा सा लाइक जरूर करें,